जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी। नमस्कार भैया जी। अमरनाथ यात्रा के लिए मेरे को आप कुछ मैसेज भेजे थे और वो हम लोग कोशिश कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए जी। अच्छा, अभी मैं और एक क्वेश्चन आपको करना चाहता हूँ, प्लीज बोलिए जी। जो अभी कितना तारीख तक बुकिंग खत्म हो गया मैक्सिमम? अभी शायद ऑनलाइन में नहीं, टोटल मतलब 31 अगस्त तक तो खुला रहेगा ना? हाँ, अभी तक तो पूरा खुला रहेगा ना। वो भी खुला रहने का भी एक ये है जो कितना तक खुला रहेगा। हर साल जैसे खुला रहता है अगस्त 15 या अगस्त 30 तक खुला रहता है। नहीं, 11 अगस्त तक तो यात्रा ही होगी प्रभु जी। 11 अगस्त जी लास्ट डे है, रक्षाबंधन का दिन। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर हम लोग अभी अभी रजिस्ट्रेशन में लगे हैं, अगर अभी रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हमारा जुलाई के अंदर में डेट आ जाएगा ना? हाँ हाँ, परमिट आपको वहाँ चॉइस होती है आपकी, ऑनलाइन पे पोर्टल पे आपकी अच्छा। चॉइस होगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस डेट की यात्रा करनी है और अच्छा। वो डेट लिंक आप जब इस पे क्लिक करेंगे हाँ। और उसके आगे जब चेकिंग होती है चेक लिस्ट, आप अच्छा। चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो चेक होकर के आ जाएगा। अगर रेड कलर से बटन आता है इसका मतलब वैकेंसी नहीं है, और अगर ग्रीन कलर से आएगा तो उसमें लिख करके भी आएगा कि इतने अभी पासेस खाली हैं अच्छा जी। अच्छा ये बात सच है। अभी जो बाइटल होके जो हेलीकॉप्टर पर जाता है जस्ट गुफा तक, वो जी चालू हो गया क्या उसका टिकट? 20 तारीख से उम्मीद है प्रभु जी। वो 20 तारीख से होने का उम्मीद है, इस मंथ की 20 तारीख। पहलगांव से जो हेलीकॉप्टर जाता है वो दोनों दोनों हो हेलीकॉप्टर की बुकिंग 20 तारीख से श्राइन बोर्ड हो सकता है डिक्लेयर। अच्छा, और एक बात, पहलगांव से जाने से जहाँ हेलीकॉप्टर हम लोग छोड़ देगा वही से कितना किलोमीटर आपको घोड़ा में या डोली में जाना पड़ेगा? हम लोग ओल्ड आदमी है। ओके, तो प्रभु जी जहाँ पिछले साल तक होता था 2019 तक, तो वो तो पंचतरणी पे हेलीकॉप्टर छोड़ता था, वहाँ से 6 किलोमीटर है। अच्छा, वहाँ से 6 किलोमीटर। हाँ, लेकिन बात इस बार उम्मीद जताई जा रही है, श्राइन बोर्ड कोशिश कर रहा है कि आपको गुफा तक पास में ही बिल्कुल हेलीकॉप्टर उतारे, तो वहाँ से तो हार्डली। वो अगर हो जाएगा तो आपका मुंह में घी शक्कर, क्योंकि मेरा चलने का, सुने ना, हम लोग का चलने का दम नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर जाएगा तो प्रभु का दर्शन हो सकता है। नहीं नहीं, जरूर होगा, जरूर होगा। और श्राइन बोर्ड कर रहा है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छा। वो तो जो मेरे पास न्यूज आती है मैं केवल। हाँ, मैं वही तो बात है, मैंने आपको फोन किया, आपका नंबर मेरे को मिला था इसलिए। ठीक है, 20 तारीख के बाद देखेंगे। अच्छा, हेलीकॉप्टर का चार्जेस कितना आपको पता है? बालटाल से अगर लेते हैं तो प्रभु जी करीब 4,500 रुपये रहेगा। वन साइड? टू साइड, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन 4,500। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर भी हम लोग का इंटरनेट में बुकिंग कर सकते हैं? जी, वहीं से ही बुकिंग होगी, इधर नहीं होगा, उधर जाके बुकिंग करना पड़ेगा? नहीं, वहाँ से बुकिंग नहीं, ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे ही बुकिंग करनी होगी। जो वेबसाइट पे बुकिंग करूँगा। अच्छा, अगर बालटाल से, सॉरी, पहले गांव से जाने से 7,000 रुपये नियर अबाउट जाने आने का जी। और यहाँ थोड़ा दूर है, उधर थोड़ा नजदीक है, पहलगाम थोड़ा दूर है। लेकिन घोड़ा वाला रास्ता एक आदमी गया था, शायद 2017-18 में गया था होगा करने का पहले, वो बोले थे घोड़े वाला का रास्ता ये 14 किलोमीटर जो है। हाँ, वो पहलगाम ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ, लेकिन पहलगाम ज्यादा इजी है भाई, सच है, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। जी, इतना टाइम तो ठंड में, सुने, इतना टाइम ठंड में हम लोग रह नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग सोचता हूँ जो शॉर्टकट होगा। कोई बात नहीं, उम्मीद पूरी है। जी, आपके प्रभु के दर्शन इस बार लिखे हैं, आपने कोशिश की है तो जरूर हेलीकॉप्टर से ही दर्शन होंगे, नहीं तो फिर घोड़ा और पालकी तो है ही है, आप बालटाल से जा सकते हैं, सेम डे वापस आ जाएंगे। शायद पालकी में ज्यादा लेता है ना? हाँ जी, पालकी में ज्यादा लेता है, वो काफी ज्यादा चार्जेस होते हैं। पालकी में कितना होता है बालटाल होके? प्रभु जी इसका आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओहो, अरे घोड़ा घोड़ा 6 किलोमीटर जाने से घोड़ा भी लेता होगा कुछ इसे? जी। अच्छा, और एक बात है, बालटाल में हम लोग टेंट उंट मिलेगा ना रहने के लिए उधर? जी, बहुत आराम से मिलेगा प्रभु जी, गर्म पानी मिल जाएगा, तो सब कुछ मिलेगा। 50 या 150 रुपीज लेते हैं गर्म पानी एक बाल्टी देने का। जी, पैसा लेने दीजिए, मैं तीर्थ स्थान जा रहा है और पैसा को देखने चलेगा, हम लोग तो नहीं, मेरा काम बताना है प्रभु जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। 20 तारीख के बाद फिर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, जरूर जरूर। जय भोले जी की।
बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।